दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब खिंगरा गेट में पैसों के लेन देन के मामले को लेकर पंजाब केसरी अखबार समाचार पत्रों की सुर्खियों में नजर आ रहा था कि एक बार फिर बीते दिन पंजाब केसरी के अन्य छायाकार ने सावन सर्विस स्टेशन के दो गरीब करिंदों पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें पुलिस से पिटवा दिया। पीड़ित युवक की मां का आरोप है कि खुद को पंजाब केसरी अखबार का फोटोग्राफर बताने वाले अश्विनी नामक युवक ने अपनी पहुंच के बल पर उनके बेटे पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और फिर उसे पुलिस से बुरी तरह से पिटवाया। इस सब के चलते पीड़ित परिवार ने थाने के समक्ष जाकर भी जमकर हंगामा किया। दूसरी ओर अश्विनी की सुने तो उसका कहना है कि वह सुबह सावन सर्विस स्टेशन पर अपनी गाड़ी धुलवाने गया था। इस दौरान उसने वर्कर सोनू को यह बताया था कि उसकी गाड़ी में उसके दो मोबाइल फोन और एक घड़ी पड़ी है। गाड़ी को छोड़ वह अपने किसी काम से बाहर चला गया था और जब करीब एक घंटे बाद वह वापस आया तो उसने देखा कि गाड़ी से उसकी घड़ी गायब है, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में थाना प्रभारी परमिंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर उक्त वर्कर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था। उसी के आधार पर वर्कर को थाने पूछताछ के लिए लाया गया था। इस दौरान पुलिस ने वर्करों को मारने पीटने के सभी आरोपों को मानने से इनकार किया है। हालांकि इस सब के चलते देर रात दोनों ही पक्षों में आपसी समझौता हो गया है। मेरा वो ना मुंडा सर्वेंट सर्विस स्टेशन पे काम करता है तो वो भाई साहब सवेरे पहले गड्डी दे के गए इसके रिसेंट उन्होंने कहना बेच मोबाइल का वो पे है फोन अपना घड़ी तो वो देख लियो। वो कहना कोई गल नहीं भाई जो चीज़ हैगी है पे रहूगी कोई दिक्कत नहीं। ये आए गड्डी लैन 11 बजे ये उधर तो कहना मैं बठिंडे तो आया हुआ इधर आया सगा अपने मामे के घर तो फिर बाद चो कहें कि जी वो घड़ी गायब है। अच्छा जी और बाद असी उ फिर मुंडे को पूछा सारा पुछ पछ के रोटी खान चले गए। मुंडे ने दोनों ने कहा कि असी नहीं ली तो हूँ इन्होंने इतने लिया के उन्होंने कुटिया तो पुलिस ने जो मारे ना वो चंड तो सामने ग्रिल में सिर लगन करके फट गया। छह इन्हों जिन्होंने कंप्लेन की है तो चोपड़ा साहब ने भी फोन किया पिछों की पंजाब केसरी वाले तो उन्होंने भी बंदे आए हुए थे इन्होंने को वो जो मुंडा है जिन्हें कंप्लेन मेन की है वो कहता मैं पंजाब केसरी प्रेस रिपोर्टर। हाँ जी तो मेरी मिसेज की तबीयत खराब है मैं खड़े पैर उठो दौड़ के आया। मेरे मामे का मुंडा गड्डी धोन गया से इतने सर्विस सेंटर सरदार जी के। अच्छा तो उन्हें सवेरे समान समून सारे नौकर दिखा के आया वै तो वो बाद जो लैन गया दोबारा पूछे तो समान पूरा सगा नहीं दो मोबाइल से घड़ी नहीं सी कि कल मैं गड्डी वॉशिंग से देख के आया सगा सर्विस स्टेशन के उत्ते सवेरे 9:30 बजे के करीब सर्विस स्टेशन से देने तो बाद जो मुंडे ने गड्डी संभाली है दो मोबाइल तो एक घड़ी मेरी पई सी मैं उन्होंने संभाल के गया मुंडे ने उन्हें दस के गया कि यह मेरी दोनों चीज़ा पई हैं तीनों चीज़ा पई हैं तुम ये देख लिया वो कहते पई हैं कोई दिक्कत नहीं है चीज़ कितने नहीं गवाई थी। मैं निकल टी शर्ट से मैं चला गया मैं नहा के वापस आया दोबारा गड्डी लैन ली तो जिदा ही गड्डी के देखा तो घड़ी नहीं सी मैं मुंडे ने पूछा भी तेन घड़ी देख के गया से दो मोबाइल मोबाइल पे है घड़ी कितने गई कहना मैंने नहीं पता इन्हें पई सी। उस तो बाद इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की मैं 3-4 बारी 5 बारी इन्होंने प्यार किया भी हाथ जोड़ के कि मेरी मैंने तुम घड़ी दे दो वापस खाम खा मुंडे मैंने कार्रवाई करनी पेगी। फिर मैं उस तो बाद आके दरखास्त दी दरखास्त देने बाद कदी दरखास्त आई है जी अच्छा कोई बंदे राउंड अप भी किते।